गाइस, वेलकम टू द पृथ्वी वेब डेवलपर। हमने पिछले वीडियोस में टूरिज्म ब्लॉग की वेबसाइट के नेविगेशन बार और साथ ही साथ बैनर्स और अबाउट अस का सेक्शन क्रिएट कर लिया था, तो हम उसके उसके नीचे का सेक्शन मीन्स हम ब्लॉग का सेक्शन बनाने वाले। तो चले चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। और सबसे पहले आप अपनी फाइल ओपन कर लीजिएगा। तो मैंने ओपन कर लिए। मैं ये अबाउट अस के सेक्शन के बाद हमें एक ब्लॉग डिस्प्ले का सेक्शन बनाने पड़ेगा। ब्लॉग पोस्ट करके एक सेक्शन बना लेते। ब्लॉग पोस्ट करके कमेंट आउट कर दिया। इधर मेरे ब्लॉग पोस्ट का जो कोड है वो आ जाएगा। उसके बाद मैं इधर एक सेक्शन लिख ले सेक्शन बना लेता हूं। हमने ऑलरेडी ये सेक्शन की विड्थ दे दी थी, इसलिए मैं इस सेक्शन को यूज कर रहा हूँ। मैं उसमें बोल देता हूँ कि मुझे एक पोस्ट चाहिए। उसके लिए मुझे ब्लॉक कार्ड एक में क्लास इनिशियलाइज कर देता हूँ, ब्लॉक कार्ड। ओके, तो उसके साथ ही साथ मुझे ब्लॉक कार्ड है, ये तो एक कार्ड का हो गया। तो मुझे एक रो में चाहिए ना, तो रो में हर रो में चाहिए, तो इसलिए मैं ब्लॉग रो करके एक क्लास बना लेता हूँ। तो मैंने बना लिया ये ब्लॉग रो करके क्लास। तो मैं उसके उसमें ये जो ब्लॉग कार्ड है इसको कट करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। चलो, वो ब्लॉग कार्ड, देखिए ब्लॉग कार्ड में हमें एक तो ब्लॉग की इमेज चाहिए, तो इसके लिए मैं ड्यू बना लेता हूं, उसको क्लास दे देता हूं ब्लॉग ब्लॉग इमेज। बना लिया, उसमें मैं एक इमेज इंसर्ट कर दूंगा। एसेट्स में ब्लॉग में, ओके ब्लॉग में क्या नाम से इमेज से वे वो देख लेते हैं। तो ब्लॉग में हमें ताज महल आगरा डॉट जे आगरा 1.jpg कर देते। तो हमें उसका असेट्स ब्लॉक कर लिया था, उसमें हम आगरा वन डॉट जेपीजी ये इमेज इंसर्ट कर दिया हमने। चलो अभी आउटपुट देख लेते हैं। ने रिफ्रेश किया और ब्लॉक के नीचे देखो ये इमेज आ गई, लेकिन साथ ही साथ हमें ये हेडिंग भी चाहिए ना, ब्लॉक की हेडिंग। चलो, तो हेडिंग हमने जो अबाउट अस में बनाया था ये हेडिंग, इसी को कॉपी कर लेंगे और अपने अबाउट पोस्ट का सेक्शन है उसमें पेस्ट कर देंगे। और उसे अबाउट अस की जगह पर हम ब्लॉग और ब्लॉग कर दिया मैंने। अभी देखते हैं क्या आता। तो ये देखो, ये हेडिंग भी आ चुकी है, साथ ही साथ हमें लाइन भी इंसर्ट करनी थी ना, तो हम लाइन का भी कोड उससे लाइन की ड्यू कॉपी करके हम इस हेडिंग में डाल देते हैं। तो डाल तो दी है, अभी देखते हैं रिफ्रेश करके। लेकिन ये जो है ये ऊपर से आ रहे, तो इस सेक्शन का जो नया कार्ड का ब्लॉक कार्ड उसकी मार्जिन और ये दे देते हैं हम। तो उसके सबसे पहले हमें ए ब्लॉग रो, तो हम इस पे बोल देते हैं। हमने इधर अबाउट अस का सेक्शन क्लोज नहीं किया था, तो वो फर्स्ट से पहले वो क्लोज कर लेते हैं। अबाउट अस ओके। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेक्शन को क्लोज कर दिया। और मैं इसके बाद में बोल देता हूँ, मैं एक नया नई स्टाइलिंग के लिए कमेंट कर देता हूँ ब्लॉग पोस्ट
ब्लॉग पोस्ट। ओह, इसमें हम ब्लॉग पोस्ट की स्टाइलिंग करने वाले हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका एंड बिट एंड कमेंट भी एंड कर देते हैं। तो मैंने इतना कर लिया, तो मुझे कहाँ स्टाइलिंग करनी है? मुझे एक ब्लॉग रो को कॉपी कर लेता हूँ और अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में चले जाने के बाद एक ब्लॉग में इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो उसमें से मुझे ब्लॉक कार्ड का पैडिंग इसको देनी है। ओके, ब्लॉक कार्ड में मुझे मार्जिन, सॉरी, ब्लॉक रो को मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, देखते हैं अभी क्या आता। तो मार्जिन टॉप 10 की जगह हम 50 पिक्सल कर देते हैं। ये देखो आ गया बराबर, एक ब्लॉक भी आ चुका है। तो हमें ये इमेज तो इंसर्ट कर दी, साथ ही साथ हमें इसको अलाइन कर देते हैं, इस कोड को अलाइन बराबर से कर देते। चलो इतना हो गया। तो मैंने डॉट ब्लॉक ब्लॉक रो थी, तो उसमें मुझे किसको स्टाइल करनी है? तो मुझे सिंपली एक ब्लॉक ब्लॉक कार्ड कॉपी किया और उसे मैंने ब्लॉक कार्ड, ओके, तो ब्लॉक कार्ड में मैं बोल देता हूं उसकी विर्थ मुझे 33% होनी चाहिए भाई मुझे। ओके, अभी देखते हैं क्या था? कुछ वन, लेकिन इस होगा ये इतना। हाँ, उसके साथ ही हम ब्लॉक कार्ड इतना कर लिया। तो हम इस ब्लॉक कार्ड को कॉपी करते हैं और उसके इमेज को स्टाइल कर, जो आईएमजी इंसर्ट की थी, सॉरी, हमने कुछ क्लास बनाया था इमेज के लिए, ब्लॉग इमेज, ओके। तो मैंने ब्लॉग इमेज में जो आईएमजी है उसकी विड्थ 100% करा दूं। तो अभी देखते क्या होता। ये देखो स्मॉल आ गई, 100% में ये स्मॉल आ गई। लेकिन हमें सेक्शन में जो था ना, तो हमने सेक्शन को कुछ पैडिंग दे दी। देखो पैडिंग 50 पिक्सल, तो हमें 50 पिक्सल कर देना है। आ गए हमारे ब्लॉक्स, ये भी ऐसा आ रहा है। चलो ठीक है, ओके। ऐसे आ रहे ब्लॉक पोस्ट, ऐसे दिखेंगे हमारे। चलो ठीक है, अपने इतना बना लिया। उसके साथ ही साथ हमें ब्लॉक पोस्ट के बाद में मुझे एक ड्यू डॉट ब्लॉग इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ब्लॉग इन्फो, ओके। ब्लॉग इन्फो, अच्छा ठीक है, ब्लॉग कंट्रोल छे डॉट ब्लॉग इन्फो, सॉरी, हमने, चलो हमने एक क्लास लिख लिया ड्यू डॉट इन्फो, उसमें क्लास को ब्लॉग इन्फो कर देते हैं, ठीक है। हमें जो एक सेक्शन है ना, उसकी जगह में ड्यू, ओके, क्लास ब्लॉग पोस्ट, ओके, ये ले लेता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। सेक्शन नहीं लेते हम इसमें ड्यू, ओके। तो जो ड्यू ब्लॉग पोस्ट है कंट्रोल सी, तो हम सिंपली एक ब्लॉग पोस्ट में इसमें सिंपली एक क्लास कॉपी
पेस्ट कर देंगे और उसमें बोल देंगे उसको विर्थ 100% पैडिंग 0 पिक्सेल और 50 पिक्सेल। ठीक है, अभी देखते हैं। लेकिन ये इधर से आ रहा है, क्यों आ गए? हमने सेशन में से ओ लिखा था, तो हम इसे इसका जो पार्ट सेशन था उसमें यूनिवर्सल कर देता हूं। अभी देखते हैं, ये वो आ गया बराबर से, लेकिन ये ऊपर आ रहा। हमें इसे मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल कर देते हैं। कर दिया हमने, ये देखो बराबर से आ गए। तो हमें सिंपली इतना तो अचीव कर लिया है हमने, तो हमने ये दिखा दिया। उसके साथ ही साथ हमें इंफॉर्मेशन भी इंसर्ट करने थे ना, तो हम एक्चुअल देख लेते हैं कि क्या क्या था हमारे डेमो में देखा था, तो क्या क्या था उसमें उस एपिसोड। तो हमने इतना अचीव कर लिया, तो हमें साथ ही साथ हमें एक हेडिंग चाहिए ना, हेडिंग। तो मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चले जाता हूँ और मैं इधर जो ब्लॉग ब्लॉग इन्फो में एक एच टू ले लूंगा और उसमें जो एक्चुअल डेमो था इस हेडिंग को कॉपी करके उसमें डालवा दूंगा। तो मैंने कॉपी कर लिया और इस पे पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करते ही देखते हैं अपना एक्चुअल आउटपुट क्या आता है। तो ये देखो इस तरह से आ गई। तो हमें सिंपली इसकी इंफॉर्मेशन भी इंसर्ट करनी थी ना, तो मैं पी टैग में उसका जो स्मॉल स्मॉल है, जो स्मॉल कंटेंट है, वो इंसर्ट कर देता हूँ। कॉपी कर लिया, उसमें मैंने इसे इंसर्ट कर दी। चलो ठीक है, अभी देखते हैं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में ऐसे है, तो मैं सिंपली इसमें देखो हमें ऐसे दिख रहा। तो हम इसकी पैडिंग 20 पिक्सल ले लेंगे। तो मैं बोल दूंगा, मैं ये ब्लॉक इन्फो को कॉपी कर लूंगा और स्टाइल में अभी चले जाते हैं ब्लॉक के स्टाइल में और डॉट ब्लॉक में जो रो है और उसमें जो दो ब्लॉक कार्ड है, ब्लॉक कार्ड का ब्लॉक कार्ड है, उसमें जो ब्लॉग इन्फो है उसमें मुझे पैडिंग 20 पिक्सल कर दे भाई। देखते 20 पिक्सल हो में क्या होता है। तो मैंने 20 पिक्सल कर दी एक्चुअल में जाते हैं। ये देखो ये बराबर से आ गया, ये देखो इतना तो आ गया। तो हमें साथ ही साथ हमें इसके इसको मुझे एक कलर देना पड़ेगा। इसके बाद में मुझे इसके साथ ही साथ मुझे एक एक वर्ड लाइन चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेट करने के लिए। तो मैं इधर ब्लॉक कार्ड की ब्लॉक इन्फो के बाद में ड्यू डॉट कार्ड इन्फो, तो कार्ड इन्फो की कार्ड इन्फो में हम अनऑर्डर लिस्ट इंसर्ट कर देंगे। अनऑर्डर लिस्ट क्यों? तो हमें ये चाहिए, ये मेन्यू चाहिए था हमें, इसलिए। तो मैं अनऑर्डर लिस्ट में एलआई कर देता हूं और उसमें एम्परसैंड करके स्लैश करके मैं एक स्पैन ले लेता हूं। तो स्पैन स्पैन कंट्रोल जी, तो मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूं। तो स्पैन टैग इसलिए चाहिए कि मुझे ये आइकॉन भी इंसर्ट करना है ना, तो मैं सिंपली ये नेम कॉपी कर लेता हूं और इसे इसमें बोल दे कंट्रोल वी। ओके, मैंने नेम कॉपी कर लिया। तो उसके साथ ही साथ मुझे देखो, उसके साथ ही साथ मुझे और दो चाहिए ना अनऑर्डर लिस्ट। तो मैंने कंट्रोल से कॉपी कर लिया, तो मुझे बटन के लिए भी चाहिए। इतना हो गया।
इधर हम बटन इंसर्ट कर, इसमें हम टाइम है ब्लॉग पोस्ट कब डाला था उसकी डेट का डेट डाल देते हैं, ओके। और वो इस सेकंड वाले में पेस्ट कर दूंगा और इसकी अलाइनमेंट जरा बराबर बराबर से कर दूंगा, ओके। तो मुझे थर्ड में उसमें कितने व्यूज आए थे, तो मैं सिंपल ये इससे डाला था 32 व्यूज है, तो मैं 32 डलवा देता हूँ, 32, ओके इतना होगा। तो हमें नेक्स्ट में एक बटन चाहिए, तो हम इधर सिंपली एक बटन बनाएंगे और उसमें दे देते रीड, क्या था ये डी रीड मोर था ना, वो रीड मोर डाल देते, रीड मोर बटन इंसर्ट कर दिया। अभी देखते हैं क्या होता है हमारा एक्चुअल में। तो एक्चुअल में देखो ये जो है ये इस तरह से आ रहा है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे एक रो में चाहिए, हमें ये जो कॉलम में आ रहे हैं हमें वो रो में चाहिए। तो इसके लिए मैं कार्ड इन्फो में जो मेरा ये जो दो ब्लॉग, ओके ब्लॉग रो मैंने कॉपी कर ली, उसके बाद मैं ब्लॉग क्या है उसके बाद ब्लॉग कार्ड, ब्लॉग कार्ड में से जो ब्लॉग कार्ड इन्फो है उसमें उसमें अनऑर्डर लिस्ट को कुछ हमने डिस्प्ले फ्लैग्स पहले से बना रखा है, इसलिए मैं इसमें क्लास इक्वल वर्ड डी फ्लैग्स मैंने ऑलरेडी ग्लोबल क्लासेस में बना रखा था, ओके। तो ये देखो ये रो में आ गए, तो मैं सिंपली स्टाइल डॉट में इसको बोल दूंगा कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली, ओके। देखो ये बराबर आ गए हैं, लेकिन ये क्या आ रहा है, तो हमने एक्चुअल में कोड में कुछ गड़बड़ी कर दी, देखो ये आ रहा था, ठीक है अभी बराबर से, तो ये इवेंटली हो गए बराबर, तो इवेंटली थे क्या उसमें भी, ओके ये इवेंटली थे बराबर से, अच्छा ठीक है, इवेंटली थे, ओके। उसके साथ ही साथ में इसमें ऑर्डर लिस्ट में फ्लेक्स रैप रैप कर देता हूं, कुछ फर्क पड़ा कुछ नहीं, चलो ठीक। तो हम सबसे पहले तो जो ये लाइन आ रही है ना वो इंसर्ट करवा देते हैं। तो मैं ये ब्लॉक तो इन्फो था ना बॉर्डर इसमें जो ये ब्लॉक इन्फो था उसके बॉर्डर उसमें बॉर्डर बॉटम 1 pixel सॉलिड /0000 ब्लैक, ओके मैंने ब्लैक इंसर्ट कर दी। तो देखते हैं एक्चुअल में क्या आ रहा है, ये देखो इस तरह से आ रहा है बॉर्डर बॉटम। तो हमें इसको इसकी पैडिंग टॉप 10 पिक्सल करवा देंगे, ठीक है अभी देखते हैं। देखो बराबर से आ गए, इसमें देखो बराबर से आ गए, देखो ये बराबर से आ गया है, ओके पैडिंग ओके आ गई बराबर से, चलो ठीक है। तो अभी हमें इसका कलर चेंज करना होगा, जो ये था उसका हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइकॉन इंसर्ट कर लेते, जो एक्चुअल में आइकॉन है ना वो आइकॉन इंसर्ट कर लेते। तो हम सबसे पहले फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे चले जाते हैं,
उसके बाद हमें आइकॉन्स पर क्लिक करके इधर नीचे आइकॉन शो हो जाए, तो हमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट यूजर का एक चाहिए था, मैंने ये उठा लिया। यूजर बराबर है क्या? यूजर का यूजर ही था। ओके, मैंने इसे सिंपली कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, और मैं जो हमारा इंडेक्स एचटीएमएल में जो स्पैन था उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी देखे जो किया था स्पैन तो आ गया बराबर, लेकिन ये देखो इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही, तो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने इसके स्पैन के बाद में हमने कुछ दिया नहीं होगा। ओके, अभी देखते बराबर। तो हमने ये तो इंसर्ट कर दिया। अभी हमें एक चाहिए था ए वॉच वाला ना, तो हम वॉच वाला ले लेते हैं। क्लॉक मैं ये ले लेता हूँ, क्लॉक का इसे भी मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, और इसे मैं भी इस सेकंड वाले स्पैन में डाल देता हूँ। हमें नेक्स्ट चाहिए था कमेंट्स का, एक क्लॉक का भी आ गया है, हमें नेक्स्ट चाहिए कमेंट्स का, तो हम नेक्स्ट भी ले लेते कमेंट। कमेंट का ले लेते, तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और उसे भी कमेंट में डाल देता हूँ। तो कमेंट का इधर था भी। ओके, तो हमने इतना कर लिया, तो हमने इतना कर लिया है। हम इसमें उसको बैकग्राउंड इतना तो हमने कर लिया अचीव, हमें इनकी कलर्स वगैरह चेंज करने होंगे, तो वो भी साथ ही साथ कर लेते हैं। देखो इस हमें इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना होगा, हमने तो इतना अचीव कर लिया, तो हमें एक्चुअल में देखते हैं तो बैकग्राउंड कलर है ना, तो इसमें भी हमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना, तो वो ऐड कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसमें चले जाता हूँ मेरे ब्लॉक कार्ड में, ब्लॉक कार्ड में बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, तो मैं बैकग्राउंड कलर व्हाइट था, व्हाइट लेना है, इसको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट कर दिया हूँ। ओके, तो उसे कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्लॉक पोस्ट में जो बैकग्राउंड कलर वेरिएबल है उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो लेस किया तो देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। तो एक्चुअल में कुछ तो हुआ नहीं है लेकिन आ गया है। तो हम इसके साथ ही साथ बॉक्स शैडो इंसर्ट कर देंगे। बॉक्स शैडो शैडो का एक वेरिएबल बना लेंगे फर्स्ट टॉप में। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वो शैडो का वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, मैं इसमें बोल देता हूं कि बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो मेरी 0, 4 पिक्सल 16 पिक्सल RGB 0 0 0 एक कोड आप ले लेना। ये मैंने बॉक्स शैडो इंसर्ट कर दिया, तो मैं सिंपली इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूं और मेरे बॉक्स शैडो जहां पर मैंने बोला था वेरिएबल पेस्ट। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या है। ये ब्लॉक आ गया बराबर से। तो हमें इसके साथ ही साथ ये जो अपना हेडिंग है
उसको भी चेंज करनी होंगी, इसकी फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर लेंगे। तो मैं इसमें बोलता हूँ, जो मेरा ये इन्फो है उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसको पेस्ट करके, और इसमें जो H2 है मेरा, जो H2 है उसको मैं फॉन्ट साइज 28 पिक्सल, उसके साथ साथ कलर कलर वेरिएबल, तो मैं कलर कलर कॉपी कर लेता हूँ। तो कौन सा कलर इंसर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो कलर, मुझे एक कलर वन चाहिए, इसे मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसे इसमें पेस्ट करवा देता हूँ, कलर वन हो जाए। तो अभी देखते क्या होता है, ये देखो इस तरह से आ गए। तो मुझे उसके साथ ही साथ उसका फॉन्ट वेट 600 दिया, उसके साथ ही साथ मैं इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ कि वो कैपिटल में हो जाए। ठीक है, अभी देखते हैं, ये देखो आ गए आराम से। तो हमें इसका भी चेंज करना होगा, जो पी टैग था ना, तो मैं इस पाथ को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसके बाद में पेस्ट कर देता हूँ। और उसमें जो मेरा पी था ना, पैराग्राफ, ओके, जो पी था उसके फॉन्ट साइज, उस जो पी था उसके फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर देता हूँ, और मार्जिन टॉप 60 पिक्सल कर दिया, और फॉन्ट वेट 500 कर देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, फॉन्ट वेट कलर, तो उसका कलर हमने इंसर्ट किया था, एक कलर देख लेते हैं। तो मैं एक कलर इंसर्ट कर देता, कलर 2, तो मैं इस कलर 2 को कॉपी कर लिया है, और मैं इसे पैराग्राफ में कलर 2 पेस्ट कर देता हूँ, और उसे कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। ओके, उसके साथ साथ मुझे ऊपर से मार्जिन टॉप 6 पिक्सल चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं और क्या आना है। चलो ठीक है, ये देखो ऐसे गैप आ गया, ये बराबर आ चुका है अभी। ठीक है, इतना अभी मुझे ये जो इंफॉर्मेशन वगैरह आ रही है, तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा ना चेंजेस। तो मैं सिंपली जो कार्ड इंफॉर्मेशन है, इन्फो है, उसको मैं इस अनन कॉपी कर लेता हूँ, उसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो उसमें इसमें से जो एलआई है, ओके, जो एला है उसका कलर, एला है उसका, उसको मैं कलर 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 एक वेरिएबल बना लेंगे उसके लिए, कलर वेरिएबल वेरिएबल उसका कलर वेरिएबल इंसर्ट कर देंगे। कलर 6 को नाम दे देंगे, और उसे /777 दे देंगे, उसे कॉपी किया। तो कलर 6 को कॉपी कर लेते हैं। ओके, कलर 6 को कॉपी करने के बाद मैं इधर कलर पेस्ट, कलर 6 मैंने बता दिया उसको। ओके, कलर 6 इंसर्ट कर दिया है। तो कलर 6 इंसर्ट कर तो इंसर्ट कर दिया है, उसके साथ ही साथ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड। ओके,
एस ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दिया, और फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, फॉन्ट साइज सॉरी 40 पिक्सल कर देते हैं, कर दिया 40 पिक्सल। अभी देखते हैं आउटपुट क्या होता है। तो ए देखिए, ए बराबर से आने लग गए अभी, अच्छा ए इसने आ गए। लेकिन हमें जो आइकॉन्स है उसको भी चेंज करना होगा ना, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करके जो ए लाइन में, तो मेरे कलर एक ही है और ए भी नहीं लगने वाला है हमें। ए लाइन में जो डॉट एफ ए है उसको स्टाइलिंग करनी है, उसके लिए मैं इसे 60 पिक्सल कर देता हूँ। बढ़ गया अभी, इसका कलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, मैं ये ठीक है इससे ये क्या भी? अभी देख लेते हैं, मैंने करंट पाथ दे दिया उसको, अभी देख ये बराबर से आ गए हैं। तो हमें ये जो रीड मोर बटन है उसको भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, तो रीड मोर जो बटन है उसको स्टाइलिंग कर लेते। तो मैं जो एलआई था तब तक का पाथ कॉपी कर लिया। ओके, उसमें जो बटन है, बटन उसको मैं स्टाइलिंग करूंगा। तो बटन है उसको मैं बोल दूंगा पैडिंग 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से कर दे। और बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं कौन सा दे सकते हैं हम। बैकग्राउंड कलर एक कलर 3 दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर 3 ठीक है। उसके साथ ही साथ उसका कलर व्हाइट किसे दिया था वो देख लेते। तो बैनर कलर करके ये था, उसको व्हाइट दिया है ना, उसको कॉपी कर लिया। और ए बटन में आके कलर में उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है इतना, चलो ठीक है आ गया इतना। मैंने बैनर कलर इंसर्ट कर, अभी देख लेते हैं क्या आता है। ये देखो आ गया बराबर, लेकिन इसकी ये आउटलाइन आ रही है ना, ये क्या आउटलाइन आ रही है, उसे भी ठीक कर देते हैं। तो मैं बोलते हैं बॉर्डर उसको बोलता हूं मैं बॉर्डर नन। ओके, उसको कॉपी कर सेव कर लिया और इसे बॉर्डर नन बता दिया। तो बॉर्डर रेड उसके मैं बॉर्डर रेडियस भी इंसर्ट कर देता हूं, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। तो 3 पिक्सल मैंने बॉर्डर रेडियस इंसर्ट कर दी है इसमें। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमें ये सेंटर में नहीं आ रहा है ना, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है अपनी फ्लेक्स करके उस सेंटर में आनी चाहिए। उसके लिए मैं चले जाता हूँ अपने अनऑर्डर लिस्ट में, और इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर करके। तो ए सेंटर में आ जाएंगे। तो देखिए ये सेंटर में आ चुके हैं बराबर। तो हमने पूरा अचीव कर लिया है। हम इसे मल्टीपल इसमें यही कॉपी करके हम उसके नीचे पेस्ट करते जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, उसको कॉपी कर लेते हैं। ये जो अपना ब्लॉक का जो है उसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, ब्लॉक कार्ड मैंने कॉपी कर लिया। तो मैं इसके नीचे ही एक ब्लॉक बना देता हूं, 3 या 4 बना देते हैं। तो हमने इंसर्ट कर दिया, अभी देखते हैं आउटपुट कैसे आता। तो ये देखो एक लाइन में आ रहे हैं बराबर से। तो हमें ये एक्चुअल आउटपुट देखते हैं कि एक कॉलम में है,
नहीं तो ये तो एक रूम है, तो हम इसे रो में कर देते हैं। तो इसके लिए मैं कार्ड रो में चले जाता हूँ, जो हमने कार्ड रो बनाया था ना, कार्ड रो, तो उसमें बोल देता हूँ मैं। चलो कार्ड रो में जाने से पहले हमने ऑलरेडी क्लास इंसर्ट करके रखा है डिस्प्ले फ्लेक्स का, तो मैं एक कार्ड रो में, कार्ड रो किधर से स्टार्ट होती है वो देख लेते हैं पहले। ये देखो एक ब्लॉक पोस्ट है, एक कार्ड रो है हमारी, तो कार्ड रो में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया मैंने कोनों। चलो ठीक है जी, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, तो एक्चुअल आउटपुट देख लेते हैं। ए देखो इस तरह से आप, तो हमें इस तरह से चाहिए था क्या, हमें इस तरह से चाहिए था क्या? नहीं, हमें तो उसकी विड्थ भी चाहिए थी ना। तो मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगा, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, तो जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली, ओके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली। अभी देखते हैं क्या था, कुछ हुआ नहीं क्योंकि एक रो में आ गए हैं, उसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली बाद में कर देते हैं। सबसे पहले तो उसे फ्लेक्स रैप एक प्रॉपर्टी लगा, फ्लेक्स रैप रैप कर देते हैं। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये देखो ये बराबर से आने लग गए हैं, ठीक है ये बराबर से आने लग। हमें इसमें मार्जिन कुछ चाहिए ना, कुछ तो भी डिफरेंस चाहिए ना, मार्जिन। ओके वो मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ब्लॉक रो ब्लॉक कार्ड में मार्जिन टू पिक्सल, ओके मार्जिन टू पिक्सल करने में ये देखो एक गैप गैप आ गया होगा, तो हमें मार्जिन टू पिक्सल गैप कर दिया, तो ऐसे आ रहा है। तो मार्जिन हमें हम दे देते हैं इसको, हम इसमें मार्जिन इंसर्ट कर देते हैं, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल और 2 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। तो अभी एक्चुअल में देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये देखो इस तरह से ब्लॉक पोस्ट आ रही, तो हम एक ब्लॉक पोस्ट डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैंने ये ब्लॉक पोस्ट को रिमूव करवा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये देखो ये ब्लॉक पोस्ट इस तरह से आने लग गई। अभी एक्चुअल में देखते हैं तो इस तरह से है, तो हम इस तरह से आ रही है, तो हमें इसे सिंपली जो हम इसमें ब्लॉक कार्ड में इसमें लगा देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, इसे इसमें नहीं सॉरी, हमें ब्लॉग रूम में लगा देते हैं जस्टिफाई कंटेंट एक प्रॉपर्टी स्पेस अराउंड करके प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखते हैं ये देखो एक्चुअल आउटपुट आउटपुट कैसा था, वैसे इसमें आ रहे हैं। ओके देखो बराबर हो गया है, तो हमें इसमें कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, एक बटन को कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, तो बटन कर्सर पॉइंटर नहीं ना बटन को, तो मैं सिंपली बटन में चले जाता हूँ और बोलता हूँ कर्सर पॉइंटर करके प्रॉपर्टी वो यूज करके इसे पॉइंटर कर्सर दे देता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखो अपना एक्चुअल में हमने ब्लॉक का सेक्शन बना लिया। तो हम इसके बाद में इसमें कुछ रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने वाले हैं, ओके और रिस्पॉन्सिवनेस ऐड इसमें कुछ, इतना तो हमने अचीव कर लिया एक्चुअल में और इसमें, तो हम इसमें कुछ रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे। रिस्पॉन्स देखो इसमें एक गैप था तो हमें इधर नहीं आ रहा, तो हम सिंपली जो इन्फो का था हमारा, इन्फो करके था ब्लॉग इन्फो कार्ड इन्फो था, कार्ड इन्फो करके था, उसमें पैडिंग टॉप दे दी थी, तो हम पैडिंग टॉप के साथ साथ पैडिंग बॉटम भी दे देते हैं, पैडिंग बॉटम।
10 पिक्सल, इतना दे दिया। अभी देखते हैं क्या था, पहले ये 10 पिक्सल लेने लग गया उधर से, इससे भी एक्चुअल में 10 पिक्सल ले रहा, इधर से भी 10 पिक्सल, ये भी एक्चुअल जैसे होगा। अभी रिस्पॉन्सनेस ऐड करते हैं इसमें, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इसे बड़े डिवाइस में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये इधर रिस्पॉन्सिव है, 1000 में रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये इस तरह से आ रहा है ना, इधर गैप ज्यादा हुआ, तो हम इसकी विड्थ कम कर देंगे सिंपली। तो कब कब करनी है वो देख लेते। तो जैसे ही मैं 1230 के बाद में आ रहा हूं, तो मैं इधर रिस्पॉन्सिव करके एक कमेंट डाउन कर देता हूं कि मेरा इधर रिस्पॉन्सिव का कोड है रिस्पॉन्सिवनेस का कोड है। ओके, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं और इधर एंड की कमांड भी लगा देता हूं। तो मैं इधर एक मीडिया की वैल्यू यूज कर लेता हूं, मीडिया मैक्सिमम विड्थ है उसकी वो जब 1230 पिक्सल पे चले जाए, तो मुझे क्या करना है, देखो 1230 पिक्सल पर चले जाए ओके, तब मुझे इसकी विड्थ कम कर देनी है इसकी, तो कार्ड की विड्थ। ओके, तो इसके लिए मैं कार्ड पे जो कार्ड बनाया था ब्लॉक कार्ड उसको कॉपी कर लेता हूं, उसकी विड्थ, कार्ड की विड्थ विड्थ बढ़ा देता हूँ 50 और 40 35% बढ़ा दी विड्थ। अभी देखते हैं 35 में ऐसे आ रहा है, तो हम सिंपली इसकी विड्थ कमीज कर देते हैं 20। ये देखो ऐसे आ गए, मैं इसको 25 करते देखते क्या होता है, 25 में इस तरह से आ गए। हमें इसकी विड्थ कम करने से पहले ये जो था हमारा मार्जिन जीरो कर देते हैं, सॉरी इसको मैं 30 बदल देता हूँ, तो 30 में क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो ये 30 में बराबर आने लग गए, 30 से ज्यादा 32 कर देते हैं ना, 32 पिक्सल, से 30 के ऊपर नीचे आए तो इस तरह से मैं ओके। तो हमने सिंपली इसको इतना कर दिया 32। अभी एक्चुअल में काय वो कितनी वीर थी उसकी 33, तो मैंने 32 कर दिया। इसको मैं कॉपी करके जो सेकंड मीडिया क्यूरी लगा देता हूँ, तो 900 के बाद में आए। अभी देखते डिवाइसेस में, तो मैंने इसमें ओपन किया बराबर से आ रहा है ओके, मैंने इसके इसमें ओपन किया ये बराबर से आने के, मैं जैसे 900 के बाद में आऊँ 900 के बाद में आऊँ, तो इसकी विड्थ मुझे उसकी विड्थ फोर्टी फाइव बना दे। इस तरह से आने लग जाएंगे। ओ
जैसे मैं 900 के बाद में आऊँ, 900 के इस डिवाइसेस में रिस्पॉन्स है। इतना रिस्पॉन्सिव है। जैसे मैं आया उस ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी लैपटॉप में आता हूँ तो ये बराबर से दिख रहा है मुझे, लैपटॉप में आने से दिख रही है मुझे। और जैसे मैं 500 के नीचे आऊँ तो मुझे एक ही दिखे, तो थर्ड लगा देता है। 500 के नीचे आऊं तो इसकी वेट हो जाए 100। बराबर 100 हो चुकी है। उसके साथ ही साथ मुझे मार्जिन टॉप 5 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल, मार्जिन राइट 0 पिक्सल। ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव बन गए हैं। तो हम इस हेडिंग को साइज कम कर सकते हैं, इस हेडिंग की। तो मैं सिंपली 500 में जो हमारा ए ब्लॉक का H2 है उसकी फॉन्ट साइज 25 पिक्सल कर देते हैं। उसके साथ ही साथ मैं ओपी की भी, जो पी पैराग्राफ था उसकी भी 80 पिक्सल कर देते हैं। तो पी का क्या था, लॉग इन फॉर पी 60 थी, तो मुझे इसको 40 करनी पड़ेगी। हो गया इतना, देखो बराबर से रिस्पॉन्सिव हो गया है। तो हमने इस वीडियो में इसको ऑल डिवाइसेस में जो हमारा ब्लॉक का सेक्शन था वो हमने क्रिएट कर लिया है। तो है रिस्पॉन्सिवनेस भी ऑल्सो ऐड कर दी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नीचे एक टेक्स्टो मैनुअल का सेक्शन ऐड करने वाले हैं। तो थैंक यू।